मित्रों, खाज खुजली दाद और सोरायसिस, जिसको भैंसा दाद बोलते हैं, उसके लिए मैं एक सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। ये देख लें, ये है गेहूं, गंदुम, इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं, और जिसकी हम रोटियां खाते हैं, ये वही गेहूं है। तो मैंने बाल इसलिए रख दिए हैं, इसकी फली इसलिए रख दी है कि पहचान लें कि ये गेहूं है। तो इसको तवे पर भून लें, और जब काला पड़ जाए, मतलब अच्छी तरह भुन जाए, काले पड़ जाने चाहिए, तो उसको उतार के पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें या कैसे कूट लें, और बहुत बारीक पीसें जो कपड़े से छन जाए। जब गेहूं का जला हुआ पाउडर बन जाए, तो उसमें ये तिल का तेल है, सीसम ऑयल है, और ये एडिबल ऑयल है। तो ऐसा तेल लें जो खाने वाला हो, दीपक जलाने वाला नहीं होना चाहिए, उसे पढ़ के देख लें। तो ये 100 ml है, 100 ml में कम से कम आप 100 या 50 ग्राम जो पिसा हुआ गेहूं का पाउडर होगा उसे मिला दें, एकदम काला ये पेस्ट बन जाएगा। उसको बोतल में भर लें, और जहां पर भी खुजली है, खाज है, एक्जिमा है, रिंग वर्म है, और सोराइसिस है, उस पर सुबह शाम लगाएं, तो आप देखेंगे कुछ एक दिन जो नॉर्मल जो खाज खुजली है वो तो आपको 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी, और अगर पुरानी हो गई है तो 10-15 दिन लग जाएंगे। मित्रों, इसको करके देख लें, बहुत सीधी सादी सरल प्रयोग मैंने बताया है, करके देख लें। तो मित्रों, फिर बता देता हूं, इसको जला के पीस के तिल के तेल में मिलाकर बना लें, और सुबह शाम किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर खाज खुजली, रिंग बर्म, एक्जिमा, सोरायसिस पर लगाएंगे, तो जो जल्दी हुए हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे 3-4 दिन में, और जो पुराना होगा उसको 10-15 दिन लग जाएंगे। तो मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।